हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक बात और, आप लोग ब्लॉग को देख लेते हैं, एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, करिए। इसमें आपका कुछ लगना तो है नहीं, और ऊपर से आप लोगों को ब्लॉग भी देखने को अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊंगी। और यदि जो चीज़ें आपको, जो भी मेरे से संबंधित कोई, जैसे आप, मैं डीएलएड कर रही हूँ और वैकेंसी संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ क्या कैसा है। और हालांकि ये तो मेरा है कि डेली रूटीन जो होता है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरी नेल पेंट लग चुकी है। क्या है कि जो आप ये गोल्डन कलर की चूड़ी देख पा रहे हैं ना, तो ये थी 6 चूड़ी, और 6 चूड़ी थी। तो पहले मैंने 2-2 लगाई, तो फिर सीधी सी बात है, एक हाथ के लिए नहीं वो हो पाई। तो फिर मैंने कहा चलिए एक एक ही चूड़ी लगा लिए जाए। और चलिए तो आज थोड़ा सा बाहर भी जाना था, थोड़ा बाहर। और आप लोगों को पहले बता दूं कि मैं आप लोगों के साथ वो ब्लॉग पॉसिबल नहीं होगा बनाना। अब मैं आपको ये इसलिए ये शेयर नहीं करूंगी, मतलब वहाँ का ब्लॉग नहीं दिखाऊंगी। तो ये जो है तो ये सिर्फ और सिर्फ निकलने का ब्लॉग था, तो ये इसलिए मैंने थोड़ा शूट कर लिया था। और चलिए तो मैंने सोचा चलो आज चूड़ी पहन कर ही जाया जाए। क्या होता है, वॉच है ना, तो वॉच कभी कभी मन नहीं रहता कि चलो नहीं पहनना है, तो चलिए तो चूड़ी ही पहन ली जाए। और जैसे भी हम लोग मैरिड लोग हैं, तो मैरिड लोगों को वैसे भी अगर चूड़ी पहन लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा ही लगता है। वो हमारे कल्चर ही ऐसा है कि हाँ सजना संवरना, कोई कोई नहीं भी सजता संवरता है, लेकिन कभी कभार मैं कर लेती हूँ, कभी कभार छोड़ देती हूँ। आप लोग तो जानते ही हैं, पहले तो मैं ये था कि बहुत सिंदूर भी बहुत कम ही लगाती थी, तो सब लोग मुझे जैसे ही मायके जाती थी सब लोग कहता था मालूम ही नहीं, कहते थे कि मालूम ही नहीं चलता कि शिल्पी की शादी हो गई है, ऐसा लगता है कि शादी हुई ही नहीं है, ऐसा होता था। लेकिन आप बार में गई शादी में भैया की, तो फिर मैंने अच्छे से मांग भरी, जिस हिसाब से मैरिड लड़कियां भरती हैं। तो बस फिर ये था कि हाँ, तो अब मुझे भी फील हुआ, दूसरों को तो चलो छोड़ ही दो, फिर मुझे भी फील हुआ कि हाँ कि मैं मतलब इतना मैंने मांग भरी, ये चीज़ें तैयार होना, ये सारी चीज़ें। नहीं तो आप लोग मेरे मुझे ज़्यादातर ऐसी सिंपल ही देखते होंगे। और चलिए तो आज तो क्या है, जैसे गोल्ड के रिंग इयर रिंग पहने थी, मैंने सोचा कभी कभी मुझे लगता है कि गोल्ड का ना होके आर्टिफिशियल इयर रिंग भी पहनना चाहिए। तो बस ये था, मैंने ये पूरा पैकेट मंगाया हुआ था, आप देख पा रहे होंगे पूरे पैकेट। इसमें ये था कितना जोड़ी था, 6 जोड़ी था शायद, 6 जोड़ी, हाँ 4-5 जोड़ी था अच्छी से मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। हाँ साइज 6 जोड़ी था, 2 मोती वाले थे, एक ऐसी ही गोल्डन कलर के कंफर्म नहीं बता सकती हूँ। मीशो से मैंने मंगाया है, आप लोगों ने भी मंगाया तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कितने जोड़ी हैं, मुझे याद नहीं है और मैं एडिट करती टाइम मैं देखा भी नहीं है, तो झूठ नहीं बोल सकती कि मैं कन्फर्म बोल सकूँ। वही था कि मुझे अपनी पुरानी यादें ताज़ा करनी थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अब मैं फिर से मोती वाले मंगा लूँ। और इस वजह से फिर मैंने चलिए अब गोल्ड तो मैंने इयर रिंग उतार ही दिए, और आज मन था कि ऐसे ही मुझे आर्टिफिशियल ही पहनना है। तो बस, और ये भी मुझे आप लोगों को बताऊँ, मैंने मीशो से मंगाया है। आप लोग जो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे ना, तो वो कमेंट ज़रूर करेंगे कि ये आप शॉपिंग वाले डिब्बे में क्यों रखे हो, और कुछ है वो मंगा लीजिए चूड़ी बॉक्स। तो लेकिन मैं क्या है कि मैं खुद थोड़ा सा क्रिएटिविटी करती हूँ, और मैं खुद इसे अच्छे से बना लूँगी। और डिब्बा है क्या, तो कि जगह की कंजेस्टेड की वजह से, क्या तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, उसका तो मैंने यूज कर लिया, जो इसके अंदर का चॉपिंग मशीन थी तो वो चॉपिंग का वो था, तो वो तो मैंने यूज कर लिया। और ये था, ये डिब्बा ऐसे ही खाली पड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूज कर लिया जाए। मुझे लगता था सारी इसने धूल समेट ली अपने ऊपर, तो इस वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। फिर ये था कि कभी कभी जैसे हो जाता है, जैसे मेरी ननद है तो उसने खाना बना लिया, तो फिर रोटी बना ली, रोटी में टाइम लगता है हालांकि, और बाकी का काम तो जैसे जानते हैं एक्स्ट्रा जो काम रहता है, बाकी का जो बचा है सारी चीज़ें, तो मैं सारा कर रही थी। मैंने कहा चलो वो बाद में कर लिया जाएगा, अब फ्री हो गए हैं तो जल्दी से ये कर लिया जाए कि हाँ कुछ एक एक्स्ट्रा काम रहते हैं जो छोड़ देते हैं हम, तो वो चीज़ मैंने कहा चलिए आज ये पंखा ही साफ़ कर लिया जाए।
तो ये जब मैंने साफ़ किया तो इतना अच्छा बन गया है, ऐसा लग रहा था कि एकदम नया आया है। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नया आया है। और मैंने ना जैसे जिससे हम बॉटल साफ़ करते हैं उससे किया था। कभी कभी क्या है, हम लोग कपड़े से करते हैं तो कपड़े से कहीं कहीं हमारा हाथ ही नहीं पहुँच पाता है, हमारी उंगली ही बिद जाती हैं, उसमें फंस जाती हैं। आप लोग देखिए ये होल में, तो थोड़ा बहुत बाद में ये कपड़े से किया, पहले मैंने ब्रश से किया, ब्रश होता है उससे किया, क्योंकि ब्रश से ये रहता है कि ब्रश से अच्छे से हो जाता है। छोटा ब्रश से करेंगे ना तो छोटा ब्रश से अच्छे से नहीं हो पाएगा, लेकिन हम थोड़ा बड़ा ब्रश से करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि ये, और इससे मैंने पूरा क्लीन कर दिया था। जैसे सिर्फ ये था कि उसका जो भी सर्फ रहता है वो पोंछने के लिए गीले करके, ताकि उसमें जो धब्बे रहते हैं वो चीज़ें ना रहें, तो ये इसका यूज किया था। और तो गीला कर लिया था, और जो सर्फ वाला काम था तो वो ब्रश से किया था। तो फाइनली ये अच्छे से हो गया, और एक घंटे डेढ़ घंटे तो इसमें लग ही गए होंगे, क्योंकि ये रहता ना इसमें थोड़ा हाथ फंसते हैं, और फिर मुझसे तो उसकी गोथी लग ही नहीं रहा था। तो फिर मैं कोशिश करती रही लेकिन नहीं लग रहे थे। फिर किनारे के जैसे आप लोग जानते हैं किली बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो प्रीति से ही बुला लिया। जब मैंने प्रीति आप ही कर दीजिए, मुझसे फाइनली हो चुका है फैन क्लीन। और मैंने इसमें कर रही थी, नट कस रही थी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने कहा मेरे पास बहुत काम है, तो फिर मैंने प्रीति से बोला कि आप ही कर दीजिए। तो फिर इसके बाद उन्होंने ही कर दिया। ये था कि चलो अब तुम ही कर दो। फिर मैं अपना झाड़ू लगाने चली गई, बर्तन धुलने चली गई, क्योंकि मैंने चाय या नाश्ता किया। फिर हमने कहा चलो आज कुछ अलग ही कर लिया जाए, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा काम होते हैं जो हम हमेशा स्किप कर देते हैं, और डीप क्लीनिंग का तो ये था। तो चलिए डीप क्लीनिंग से ये आज एक नहीं दो दो मेरे काम हो गए हैं डीप क्लीनिंग में कहूँ तो। चलिए यदि आपको भी यदि अपना फैन साफ करना है ना तो आप ब्रश यूज करिए। ब्रश के बाद जिसे हम बॉटल साफ करते हैं उससे भी कर सकते हैं। फिर इसको धुल कर रख दीजिए, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बस मैंने भी धुल कर रख दिया, और फाइनली मेरा ये फैन अपना साफ पूरा कंप्लीट हो गया है, साफ हो गया है। वो तो ये है थोड़ा बहुत शेष रह गया है, तो ये है। आजकल तो प्लास्टिक के फ़ैन आने लगे हैं, तो इसमें वॉइस ज़्यादा मतलब आवाज़ ज़्यादा नहीं करते। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पहले लोहे के फ़ैन आते थे, इतना तेज गनगनाते थे, इतना तेज चलते थे कि उन्हें देखते ही रह जाओ, मतलब एक तरह से आवाज़ बहुत तेज होती थी। जिनकी नींद ही अच्छी होगी तो वो अच्छे से सो जाएंगे, और जिनकी नींद अच्छी नहीं होगी तो फिर वो ऐसा कि रात भर जगेंगे उनकी आवाज़ की वजह से। हाँ, और क्या होता है कि जैसे हम लोग बचपन में रहते हैं तो चाहे जितना फैन तेज चले, चाहे कूलर चले, चाहे जितना तेज चले, सब सो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों की हैबिट्स सुधरती है कि हमें इतने टाइम जगना है, ये वो जगने की आदत होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो फिर क्या होता है एक नियम संयम बन जाता है अपने मन से कि यदि कभी भी कोई जगा दे तो जग जाओ। और स्टडी के दौरान तो आप लोग जान ही पाते, एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि चार बजे जगना, तीन चार बजे जगना, पाँच बजे जगना, और वैसे जगना, तो ये होता है। तो मेरी स्टडी के दौरान ही मेरी हैबिट डेवलप हो गई कि मैं सुबह जल्दी जग जाती हूँ, और रात में मेरा ये था कि 8-9 बजे के आसपास सो जाती थी। अब तो मेरा जस्ट अपोजिट हो गया है, अब मैं सुबह लेट ही जगती हूँ 5 बजे तक, और रात में तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, रात में तो मैं 10-11 बजे ही जाते हैं मुझे सोने में। कोई कोई तो 1-2 बजे भी सोता है, लेकिन अब उनका तो मुझे जो कुछ जो सो सकते हैं, अपना अपना नियम संयम रहता है, अपनी अपनी हैबिट रहती है, और मैं इसी में हैबिचुअल हूँ। बस रहती मैं 4 बजे जगना चाहती, लेकिन 4 बजे नहीं जग पाती। चलिए वो तो बात की बात है। आप देख लीजिए ये मोबाइल, जैसे कि आप लोगों ने यदि मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो ये ब्लॉग मैंने आपको बताया था कि प्रीति को मोबाइल मिला है, यानी कि मेरी ननद को मोबाइल मिला है। तो वो मोबाइल लेने के लिए मतलब इतना दूर 650 किलोमीटर दूर आई है, यहाँ पढ़ती है तो इतना दूर चली गई थी, उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो वो चली गई। फिर इसके बाद फिर ये बोले कि चलो मोबाइल मिलना है इनके कॉलेज में, और मैडम लोग फ़ोन कर रही हैं, तो फिर हमने कहा चलिए। हाँ, तो ये देखिए कितना अच्छा मोबाइल मिला, यानी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरी 15-16-17 के आसपास मेरे छोटे भाई को भी मोबाइल मिला था, लेकिन इतना अच्छा नहीं मिला था जितना अच्छा ये है। हाँ, आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे जनरली हम खरीदते हैं 10-12 हज़ार का, तो वैसे ही है। और ये सॉफ्टवेयर रहता है इसका, जो मेन स्क्रीन का रहता है ना, तो ये ऐसा डालते हैं कि ये चेंज आप नहीं चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा तो इसमें क्या अच्छा ये फैसिलिटी है, ये
यदि आप सिम भी नहीं डालते ना तो भी ये मोबाइल चलेगा, बस आप उसमें ब्लूटूथ का मतलब ये है कि अपना नेट कनेक्ट कर दीजिए, और ये भी है। और दूसरा इसमें ये अच्छा है कि टॉर्च जो है ना तो उसको थोड़ा कम स्लो और थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, तो टॉर्च आप देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को टॉर्च ही दिखाने वाली हूँ, तो ये देखिए आपको। और इसने ये कनेक्ट कर रखा है, और ये वाईफाई, वाईफाई कनेक्ट कर लो तो बस आपका मोबाइल चल जाएगा, आप जो सॉन्ग सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं आसानी से, ये चीज़ें हो जाती हैं, तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो बस ये है कि जैसे यदि मोबाइल जैसे किसी से कॉल करना ये वो करना बात करने का यदि नहीं है तो सिम निकाल लो, तो बस ये रहता है कि मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन जब आप हॉटस्पॉट देंगे वाईफाई कनेक्ट करेंगे तब। तो बस यही था। और टॉर्च का तो ये मैंने बताया, जैसे जैसे आप इसका बढ़ाएंगे लेवल तो उसका बढ़ जाएगा, और यदि कम करेंगे तो उसकी जो रोशनी है तो वो उसकी कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो ये फैसिलिटी इसमें बहुत अच्छी है। और हमारा जनरली मोबाइल में क्या रहता है, एक बार टॉर्च ऑन करो जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, जितना तेज़ जलने का उसका फोकस होगा उतना ही तेज़ जलेगी, और इसमें कोई आप संशोधन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मुझे कुछ अच्छी लगी। और भी सारी चीज़ें इसमें हैं, बस ये है कि जैसे हमारा 864 है और ये 32 है, यानी कि इसकी रैम कम है, बस ये है इसमें ये। लेकिन आप मोबाइल देखो एकदम बहुत अच्छा है और चलता भी बहुत अच्छा है, मैं आपको हालांकि नया है तो चलेगा तो अच्छा ही। बताइए आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, पहला नंबर। दूसरा, आप लोगों को, आप लोग जो स्टूडेंट हैं क्या उन लोगों को भी मोबाइल मिले हैं? हालांकि मैं तो डीएलएड की स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो मोबाइल जैसे आप लोग जानते हैं नहीं मिलेंगे, जैसे जिसका ग्रेजुएशन चल रहा है उनको मिलेंगे। तो मेरी नंद का ग्रेजुएशन चल रहा है, हालांकि पढ़ाने की उम्र में मेरा तो ये है कि पढ़ना पड़ रहा है, चलिए डीएलएड कर लेते हैं भविष्य में कहीं मौका मिला। इसका कैमरा भी चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए कैमरा देखो कितना साफ़ है, फ़ोटो कितनी साफ़ आई है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। चलिए, तो मेरे आप लोगों को और बताना था कि मेरा भी एग्ज़ाम की डेट आ गई है, हाँ, और चलिए डीएलएड के फर्स्ट सेम की डेट आ गई है, मैं आप लोगों को बता दूँ। और हालांकि ये भी डिसाइड हो गया कि किस दिन कौन सा पेपर है, तो ये हो सकता है आपको थोड़ी देर में शेयर करूँगी। और ये था, आज था संडे, तो संडे के दिन मैंने सोचा क्या ही किया जाए, और ये ना फैन था तो थोड़ा सा जी बिजना बोलते हैं, हमारी साइड बिजना बोलते हैं, आप लोगों की साइड क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है, सबकी भाषा अलग अलग होती है। जैसे बिहार है वहाँ कुछ और बोलते हैं, हमारे यहाँ बुंदेलखंड एरिया में कुछ और बोलते हैं, तो हम लोग तो बिजना बोलते हैं। तो बस ये था, तो ये इस तरीके का रखा था, वो टूट गया था, जैसे आपने देखा होगा शादियों में दिए जाते हैं बिजना टुकनिया इस तरीके का, तो ये था, तो ये उसका पूरा वो टूट गया था। तो मैंने सोचा चलिए अब मैं कपड़े का ही बना लेती हूँ, तो मेरा दुपट्टा रखा था उसका पूरा सूट ख़राब हो गया था, दुपट्टा बस रखा था, तो मैंने कहा चलो इसी को ही फाड़ते हैं और बना के देखते हैं बनता कि नहीं बनता। हालांकि मैंने कभी नहीं बनाया ना, ट्राई किया है वो तो पहली बार ट्राई कर रही हूँ। तो बस ये था, तो मैंने बनाया, और ये अब फिर ये रहता ना कोई चीज़ हम बनाते हैं तो फिर हमें हर काफ़ी चीज़ें याद आ जाती हैं कि इसमें क्या किया जाए, इसमें क्या किया जाए, इसमें गुड़ कैसे लगाई जाए। तो फिर मेरे एक दुपट्टा रखा था दूसरा, उसका क्या होता, जैसे ही मैंने उसको धुला तो उसका कलर एकदम निकल गया, उसमें लगी थी लेस, तो वो लेस फिर हमने लगाई, और ये पूरा कंप्लीट मैंने सिंपल इसमें कंप्लीट कर दिया था, अच्छे से बना लिया था सिंपल तरीके से, कि इस तरीके का बन गया है कि अब आराम से हवा लगेगी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लाइट का तो मैं क्या ही बताऊँ, महाराजगंज में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लाइट जाती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, और हमारी साइड तो ज़्यादा लाइट भी नहीं जाती, गर्मी तो ऐसा कि गर्मी तो सब कहीं होगी ही क्योंकि गर्मी का मौसम ही है। तो चलिए, तो आपके साथ शेयर कर दिया जो भी है, और ये मेरा बिजना आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप लोग तो बहुत अच्छे अच्छे बिजना बना सकते होंगे, लेकिन मैं तो आप लोग जान ही रहे हैं कि मैं तो सिर्फ ऐसे ही बना रही हूँ टेम्प्ररी कपड़े का ही, थोड़ा कपड़ा और इसमें थोड़ा सा मैंने ये थोड़ा सा कैरी बैग था, कैरी बैग एक छोटी सी पॉलीथीन इसमें डाल दी, ताकि ये था कि ख़राब ना हो अंदर से और जैसा भी हो अच्छे से बन जाए, और क्योंकि कपड़ा होता है कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है। चलिए, तो फाइनली ये बनकर तैयार हो गया है, आप लोग तो देख भी सकते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये बिजना
कैसा लगा आप लोगों को। हालांकि मैं अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें ट्राई करने लगती हूँ, फाइनली बना के देख भी लिया कि कैसा चलता है। गांव में लोग बहुत ज़्यादा बनाती थी पहले, और मेरी मम्मी लोगों का भी, मैंने मेरी मम्मी तो बहुत सारी चीज़ें बना भी लेती थी, लेकिन ये था हम लोग जब छोटे थे मम्मी हमेशा 12 बजे तक जगती थी हम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में, और खुद के कुछ ना कुछ अपना काम भी रहती थी, ये जगती रहती थी। और चलिए देख सकते फाइनली मेरा ये बिज़नेस कम्प्लीट हो गया। कुछ मशीन से इनने गूट लगाई, मतलब ये था कि जितने लोग हैं हमारे घर में तो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सहयोग सबने दे दिया, मेरे हस्बैंड ने भी दे दिया।